छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ शराब घोटाला ईडी की ओर से खुलासे के बाद मुख्य विपक्षी भाजपा लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आबकारी मंत्री कवासी लखमा को घेर रही है। मंगलवार को भाजपा ने पुतला दहन कर विरोध दर्ज किया, वहीं लगातार क्रम में बुधवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर विरोध किया। बुधवार को जिला मुख्यालय में स्थित आत्मानंद स्कूल के समीप मुख्य मार्ग में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा अपने के कार्यकर्ताओं के साथ एक दिवसीय धरना दिया। प्रदेश में हुई 2000 करोड़ शराब घोटाले को लेकर भाजपा आक्रामक तेवर अपनाई है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। मंगलवार को नया बस स्टैंड में पुतला दहन किया गया, वही अब धरना के माध्यम से सरकार को घेरा। धरना में मौजूद पूर्व कैबिनेट मंत्री गागड़ा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस के नेता मंत्री ब्रांडेड शराब का सेवन कर रहे हैं, तो वही आम जन को नकली जहरीली शराब परोस रहे हैं। इन्हें छत्तीसगढ़ की जनता माफ नहीं करेगी। प्रदेश के आह्वान पर जिस तरह से प्रदेश में कोयला घोटाला, चावल घोटाला, उसके बाद जो शराब घोटाला और जनमानस में चर्चा भी था कि जिस तरह से भ्रष्टाचार शराब दुकानों में, सरकारी दुकानों में भ्रष्टाचार कमीशन और कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से लोग बाग स्वयं भी एक रील बना के डालते थे कि जिस तरह से नकली दारू और अधिक शराब बिकने का शिकायत मिल रहा था और ईडी की शिकायत पर, ईडी की जांच पर वो सही साबित हुआ। 2000 करोड़ के आसपास का घोटाला प्रदेश सरकार ने किया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आज राजकोष में जो घोटाला हुआ है, राजकोष में जो जाना चाहिए था उसको कांग्रेस के नेताओं की जेब में गया है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आज एक दिवसीय धरना पूरे प्रदेश में किया है, जिसको लेकर बीजापुर जिले में भी आज एक दिवसीय धरना दिया गया है। और जिस तरह से आज हम धरना दे ही रहे थे और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि नारायणपुर में प्याज की बोरी के भीतर शराब के पेटियों के माध्यम से तस्करी की जा रहा था, जहां पर वहां पुलिस ने पकड़ा, वहां पुलिस को और पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। जिस तरह से कांग्रेस के राज में जिस तरह से अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले चल रहा है, आपने बताया, इसलिए पुलिस टीम को मैं बधाई देता हूँ।